सभी शिक्षक साथियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 5-8 के जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड RS के द्वारा अपलोड किए गए हैं, उन्हें हम कैसे देखें, इसके लिए सबसे पहले RS के MPIN पे हम अपनी यूनिक ID और जन्मतिथि से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने पर कुछ इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर 5-8 एग्ज़ाम 2022-23 पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर ये ऑप्शन आ रहे हैं, स्टूडेंट वेरिफिकेशन, हाफ ईयरली मार्क्स एंट्री रिपोर्ट, स्टूडेंट एड रिपोर्ट, प्रोविजनल एडमिट कार्ड। तो हमें अपनी शाला के प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर इस तरह का ऑप्शन हमें मिलेगा, जहां पर स्कूल कोड आपका स्कूल का डाइस कोड होगा और यहां क्लास में सेलेक्ट करेंगे जो भी क्लास है। जैसे यहां पे 5th क्लास सेलेक्ट कर लिए और ये शो पर क्लिक करेंगे, तो शो पर क्लिक करने पर ये प्रवेश पत्र अनंतिम आपके मोबाइल में शो होने लगेंगे। तो यहाँ से हम बच्चों की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि जन्म तिथि, यह मिलान कर लेंगे कि सही है कि नहीं। परीक्षा केंद्र भी हम देख लेंगे और यहाँ पर पिता का नाम और विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम, परीक्षा का माध्यम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे, जैसे परीक्षा का मतलब हिंदी है, ये सारी चीज़ें हम एक एक बच्चे की मिलान कर लेंगे। इसके लिए हम इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 100% और ये जो आइकन बना हुआ है, यहाँ पर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये PDF नीचे है, तो PDF में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एडमिट कार्ड PDF में डाउनलोड हो जाएंगे और यहाँ पर ये 3 डॉट से हम सेंड फाइल करेंगे। सेंड फाइल करने के बाद हमें व्हाट्सएप में सारे प्रवेश पत्र यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह देखिए, ये सारे प्रवेश पत्र उपलब्ध हो गए और इनकी हम जानकारी मिलान करके, और अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसके लिए हम इसमें सुधार भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें पुनः यहाँ पर आना होगा और यहाँ से हम इसमें जो भी गलतियाँ होंगी तो यहाँ से सुधार करेंगे। इसको बैक करते हैं, बैक करके पुनः यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर जो ये स्टूडेंट वेरिफिकेशन है, इसमें क्लिक करेंगे। अगर अनंतिम स्कोर कार्ड में कोई मिस्टेक है उसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके शो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पेंसिल का आइकन बना हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
यहाँ पर बच्चे से संबंधित सभी जानकारी शो हो रही है, और यहाँ पर अगर कोई भी जानकारी गलत है तो उसको हम यहाँ पर सुधार कर लेंगे, और सुधार करने के बाद इसे अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करते ही यह हमसे पूछेगा कि सारी जानकारी मेरे द्वारा चेक कर ली गई है जो कि सही है, और उस पर क्लिक करते ही सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से अगर कुछ भी मिस्टेक है तो हम उसे अपडेट कर देंगे, और जो नए स्कोर कार्ड अंतिम जनरेट होंगे तो उसमें जानकारी में सुधार हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे सभी शिक्षक साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।